लगाण वर्षा उबुटुबु अधा ओडिशा दक्षिण ओडिशा रे स्थिति अधिक बेहाल अति प्रबल वर्षा नहीं दस जिला को रेड अलर्ट संभाव्य बन्या लागि राज्य सरकार को तप्तरता उद्धार और रिलीफ पाई आगुआ बड़ प्रस्तुति 20 ओड्राफ और 6 एनडीआरएफ बाहिनी मुतयन राज्यर विभिन्न स्थान रे लगाण वर्षा जो बेहाल स्थिति विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे बढ़ी अधिक दुर्दशा मालकानगिरी जिले में सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होता बेले शह शह लोके पानी घेरे पोटेरु एमपीवी 16 बदिली एमबी 7 एमबी 3 मालकानगिरी म्युनिसिपालिटी तीनोटी वार्ड उंडूरकोंडा कांगुरकोंडा कन्याश्रम पांगाम बदली पोल उपर वर्षा जल लहड़ी भांगुची फल विभिन्न स्थान में जोगाजोग विच्छिन्न होइछि बंडाघाटी मुख्य रास्ता उपर पत्थर पड़ यातायात बाधाप्राप्त होइछि चित्रकोंडा रे पिलीगोड़ा ब्रिज भांगिला ओडिशा आंध्र जोगाजोग विच्छिन्न होइछि सेपर जोड़ा आंब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पशिछि बन्या जल आमर जो मुर्गी फुर्गी धान फान ए समस्त जाक आम टे खाली जापारे हेल्ले पाटा रात हठात भाड़गला से रात जापारे ना सका जो आसिकी जो आम प्राय ब्रिकेड मान जो पुलिस मान आसिक बाहर करले अन्य रास्ता किसी ना तेणुक बाध्य केनाल उपरेना ब्रिज को पारि होना आईलु आईला तथा एपटे आईलापुर आरी गोटे छोटिया मैंने घाट गोटे थी चले पा भरी जा सेबडे प्रशासन पक्षर उद्धार कार्य जोरदार कर पोटेरु रे जलबंदी थिबा 53 जन को उद्धार कर जिले में 1700 लोक स्थानांतर सह 12 आश्रयस्थली 12 जगह रंधा खाद्य दि जाऊ आमर एबे जो मालकानगिरी जो बालसागर केते लोक को निया हेची पाखो ये को आश्रयस्थली को ता सहित आमर काली मेलार जोटा अच्छा से काली मेलार 16 नंबर रो पटेरु ये सब जाक सर्वमोट आम 504 जन को आश्रयस्थल को दिहे आने खाद्यर व्यवस्था करने व्यवस्था करयर ब्रिगेड जाऊँ पटेरु को सीटे के गिरीबंदी अच्छा से रेस्क्यू करन दिन वर्षा लग रही कोरापुट जिले में भी स्थित संगीन अनेक गाँ जलमग्न थे हेक्टर हेक्टर चाष जमी वर्षा जल में बुड़ रही माचकुंड विद्युत प्रकल्प पशिला पा बोरीगुमार बारखंड गाँ जलघर थे वर्षार अनेक घर भांगी जाए बांडीगुड़ा पंचायतर मलिगुड़े पहाड़ भुशुड़ी मालीगुड़ा छेचेड़ा पदर सेमिली हंताल गाँ को जोगाजोग विच्छिन्न हो उद्धार करने दुई भाई पड़ा आइलु आउ देखु देखु से पा टे बढ़ीगला से बारी पार आम भाई चाहते तो रहीगल ये एक आका आड़ दसटा आड़ आम से पुलिस टीम भाईना मैंने टे हेल्प करले विशेषकर मालकानगिरी सहर केवल 253 मिलीमिटर रही तेणु अत्यधिक वर्षा होवर आज बन्या परिस्थिति सृष्टि एवं विभिन्न घरे पानी पशिजे एवं विभिन्न जो निचा ब्रिज रे 4 फुट 5 फुट कोड़ी 10 फुट पानी चलती जहाँ जानवाहन चलाचल संपूर्ण भाव ठप हो प्रबल वर्षा जो गंजाम जिला सानखमुटी खोलुड़ी गाँव को संजोग कर रास्ता संपूर्ण भांगी जाती विपद संकुल अवस्था अंचलवासी यातायात कर खोर्धा जिले में प्रबल वर्षा हो बोलगढ़ गछ उपुड़ी फलरे रास्ता अवरोध सह विद्युत सरबराह बाधाप्राप्त होइछि बालेश्वर सीमांत दीघा बेलाभूमि भी गभीर अवपातर प्रभाव देखाई प्रबल जुआर माड़ में सुरक्षा बंध डेला समुद्र पानी जो जगार पोल आमर अच्छी से जगह गुड़ाक आम जब पा माड़ संभावना जोड़ा अच्छी कि पा माड़ जाए आम दीपटे रखीचे बारिकेडिंग करके रखीचु जमी कौन लोक से भितरक जी नहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरा तत्पर अच्छे तहसीलदार वि मैंने पूरा आलर्ट अच्छा जदि किसी भी आम पाक कौन परिस्थिति खबर आसे आम सांगे सांगे मुकाबला करने भी रेडी अच्छे वर्षा रात बेस पा मारा आज्ञा से पा जाक सब से दान जाक निंगुची से सब पटा पड़ा देला मुझे करी मुई से ऋण जाक 50,000 लगी सार आनी कर संभाव्य बन्या परिस्थितर मुकाबला लगी सबू विभाग सजग रहा निर्देश देते मुख्यमंत्री लगाण वर्षा जो फोकस मालकानगिरी जिला मालकानगिरी स्थित आईएएस विष्णुपद सेठी आईपीएस सुधांशु षडंगी को दायित्व दि जाएगी वर्षा जो मालकानगिरी और कोरापुट जिलार 42 गाँ प्रभावित तो होती मालकानगिरी जिले में 6 ओड्राफ और कोरापुट जिले में 2 ओड्राफ मुतयन कर गंजाम खोर्धा पुरी नयागढ़ और बौद्ध में 12 ओड्राफ टीम मुतयन कर महानदी समेत विभिन्न शाखा नदी
ପୁଣି ଫୁଲିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ବି ହେବ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଅଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍, ତା ସେଇ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ବି ବିଶେଷ କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ତା ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସଜାଗ ଆଉ ସତର୍କ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଗଭୀର ଅବପାତ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଆସନ୍ତା 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।